उनका अभिनंदन करती। मंच पर बैठे हुए हमारे सांसद कीर्तिकर साहब, यहाँ के चीफ गेस्ट महापात्रा जी, जैना जी, गोपाल कृष्णन जी, सभी मेरे बंधु और भगिनी, और यहाँ पे बैठे हुए सब स्टूडेंट्स और पीएचडी धारक, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। हर साल मैं यहाँ आती हूँ, लेकिन ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी जिन लोगों को मिलती है, जिन स्टूडेंट को मिलती है, उनके दिल में आज क्या चल रहा है, मैं कुछ समझ सकती हूँ। जिन्हें पीएचडी मिली है 3-4 साल से, जिन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया है, जिन्हें एमएससी मास्टर्स डिग्री मिली है, उनकी जो मेहनत है, ये सब का फल आज इन्हें यहाँ पर मिल रहा है। मैं खुद पीएचडी धारक हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। ये ड्रेस जब मैं पहन रही थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उस दिन की मुझे याद आई कि जिस दिन मुझे भी पीएचडी मिली थी। ये इंस्टीट्यूट मेरे वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जहाँ की मैं आमदार हूँ, एमएलए हूँ, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ऐसी फिशिंग यूनिवर्सिटी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। मैं यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे चीफ गेस्ट, उनको बताना चाहूँगी कि इस इंस्टीट्यूट में जो भी काम हो रहा है, उसका दूसरा नाम हार्डवर्क और डेडिकेशन है। आज मुझे चुन के आके लगभग 2.25 साल हो चुके हैं। मैं 2.25 साल से यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ। हमारे कृषि मंत्री जी आते हैं तब भी आती हूँ। यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ के स्टूडेंट्स की जो लगन है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स है, यहाँ के जो साइंटिस्ट है, ये सभी बहुत दिल से काम करते हैं, बहुत लगन से काम होता है, और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस इंस्टीट्यूट से हम जुड़ जाए, इससे यहाँ पर कुछ अच्छा हो। आज हमें हरित क्रांति दिखाई देती है, श्वेत क्रांति दिखाई देती है, लेकिन जो हमें ब्लू रिवॉल्यूशन हम बोलते हैं, उसके लिए, नीली क्रांति, उसके लिए ऐसे ही आप लोगों की जैसे साइंटिस्ट लोगों की ज़रूरत है। तभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है कि ये क्रांति होनी चाहिए, नीली क्रांति होनी चाहिए, तो इस जैसे इंस्टीट्यूट है, इसमें बहुत बड़ा काम कर सकती है, इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। इस इंस्टीट्यूट के सभी पहलू में जब देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी डिग्री वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन हमेशा मैं ये बात यहाँ पे रखती आ रही हूँ। गोपाल कृष्णन जी, शायद आपको याद होगा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की कोई भी सुविधा नहीं है, और हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से आते हैं, ये तो पूरा कॉस्मोपॉलिटियन है, पूरे देश से आते हैं, लेकिन यहाँ की जो कम्युनिटी है, हमारे कोली समाज के, यहाँ के जो हमारे भाई और बहना है, ये सब फिशिंग में ही होते हैं, लेकिन इनको जो ग्रेजुएशन करने की इच्छा होती है, इस इंस्टीट्यूट में अगर ग्रेजुएशन की सुविधा हो जाती है, तो यहीं से मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री, और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल काम करते हैं, उनको एक अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है। मेरी ये बात हमेशा मैं रखते आ रही हूँ। मुझे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी आज आए नहीं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि मैं खुद इसमें ध्यान दूंगा। मैं आपको सबको निवेदन करती हूँ, महापात्रा जी आपको भी ये कहना चाहूँगी कि आप खुद इसमें ध्यान दीजिए, आप वहाँ के सेक्रेटरी हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे वर्सोवा गांव के लिए, हमारे कोली समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और पूरे मुंबई शहर के लिए भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, तो इसकी सुविधा सबको मिल सकती है। इस प्रोग्राम में एक बहुत ही, मतलब देर हो चुकी है, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, लेकिन फिर से एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने यहाँ पे आज पीएचडी और मास्टर्स डिग्री पाई है। धन्यवाद।